हेलो माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी यू एक्सप्लेन यू एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 एंड दिस चैप्टर नेम इज द ट्रेजर विद इन। प्यारे बच्चों, आज हम द ट्रेजर विद इन पढ़ने चल रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे और इस चैप्टर से जुड़ी हुई सारे एक्सरसाइजेज क्वेश्चंस आंसर हम डिटेल में कराएंगे आपको। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर एक्सप्लेन किया है विथ क्वेश्चंस आंसर, सारे क्वेश्चन आंसर हमने कराए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज फोर्थ नंबर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं स्टोरी में कुछ क्या है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यह स्टोरी देखिए बच्चों, दो लोगों के बीच के कन्वर्सेशन का है। फर्स्टली दिया है, एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज डिफरेंट फ्राम अदर चिल्ड्रेन इन हर स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सर बच्चों में अपनी अपनी खुद की अलग क्षमता होती है ना, अलग लर्निंग पावर होती है, ठीक। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों में अलग टाइप का टैलेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग होती है, ठीक। इस चैप्टर में मिस्टर बेला राजा एडिटर ऑफ स्पर्स न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर न्यूज़ एडिटर के एक न्यूज़ एडिटर हैं। कौन? मिस्टर बेला राजा। उनका संबंध कहाँ से है? वैली स्कूल बेंगलोर। एंड मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट। और कन्वर्सेशन किसके बीच होता है? मिस्टर बेला राजा का मिस्टर हफीज के साथ, जो कि एक भारतीय इंडिया के बहुत ही लीडिंग आर्किटेक्ट हैं, ठीक। आर्किटेक्ट क्या होता है? जो मॉडल तैयार करते हैं, बिल्डिंगों की मॉडल तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कैसे बिल्डिंग बनाई जाए, नक्शा तैयार करना, तो उनका काम है। तो दोनों के बीच में होता है कन्वर्सेशन। चलिए अब हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे डिटेल में। यहाँ दोनों के बीच कन्वर्सेशन हुआ है, लेकिन हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, सारे आंसर हम कराने चल रहे हैं। देखिए इसका फिर सेकंड पार्ट में कुछ जो क्वेश्चन है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आपका काम है चैप्टर को पढ़ना, और हाँ, चैप्टर के सारे वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड जितने भी हैं उसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर को पढ़ेंगे आप अच्छे से, पढ़ लिए हैं तो किस क्वेश्चन आंसर चलिए हम कराते हैं। अब लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट द ट्रेजर विद इन चैप्टर नंबर 4 का कंप्रेहेंशन क्वेश्चन यह रहा। इसका आंसर हमने नीचे राइट किया है, तो एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा, और जैसे जैसे मैं आंसर बताता जाऊंगा आपको, आपको स्टोरी भी समझ में आ जाएगी, ठीक। व्हाट डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर अबाउट, मीन्स किस टाइप का नाइटमेयर आता था। नाइटमेयर का मतलब होता है रात में जो सपने देखते हैं उसे कहते हैं नाइटमेयर ना। तो नाइटमेयर को एक सपनों में भी डर लगता था, किस चीज़ से? मैथ से। देखिए यहाँ पर हफीज कॉन्ट्रैक्टर ऑफन एक्सपीरियंस टेरिबल नाइटमेयर वेयर इन ही फाउंड हिमसेल्फ अपियरिंग फॉर द मैथ एग्जामिनेशन। जहाँ कहीं भी हफीज कॉन्ट्रैक्टर मैथ की एग्जाम देते थे, उनको मैथ से बहुत डर लगता था। इन विच ही डिडेंट नो एनीथिंग, क्योंकि मैथ में वो कुछ नहीं जानते थे। ही वॉज अफ्रेड ही वुड फेल इन द एग्जामिनेशन, उनको डर लगा रहता था कि वो मैथ में फेल हो जाएंगे, ठीक। तो मैथ उनका सबसे बड़ा डर था, किसका? हफीज कॉन्ट्रैक्टर का, ठीक। आंसर आप नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम विच इन्फ्लुएंस हिम डीपली, हफीज को प्रिंसिपल क्या कहता है, और प्रिंसिपल ने क्या कहा था, और प्रिंसिपल की कही हुई बातों का उन पर क्या गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक। तो इसका आंसर यह रहा, प्रिंसिपल ने उनसे क्या कहा था, आपको याद होगा प्रिंसिपल ने कहा था कि
जो तुम्हारी मदर बोला था प्रिंसिपल ने, तुम्हारी मदर बहुत हार्ड वर्क करती हैं, फिर कठिन परिश्रम करके किस तरीके से पैसे कमाती हैं और तुम्हें पढ़ाती हैं, और तुम लापरवाही करते हो। और प्रिंसिपल ने कहा था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, तुम बहुत आगे जा सकते हो ना, मेहनत करते रहो, एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगे। इस बात को कहा था प्रिंसिपल ने। और देखिए पूरी बात को हमने यहाँ पर नोट किया है, आप पढ़ लीजिए। ठीक, मैं रीड करूँगा तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे, सारा आंसर बुक से ही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट इनटू द फील्ड, व्हाट वाज ही बिजी डूइंग दैट ईयर। कहा जा रहा उस साल आई डिडंट स्टेप आउट इनटू द फील्ड, खेत में कदम नहीं रखा, किस लिए, क्यों बिजी थे? तो चलिए आंसर से समझ में आएगा। यहाँ पर आंसर लिखा गया, पढ़ देते हैं। द प्रिंसिपल प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग हफीज अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी। शिक्षा का महत्व समझाने में प्रिंसिपल ने हफीज़ ने प्रिंसिपल को शिक्षा का महत्व बहुत अच्छे से समझाया। एंड दैट ईयर ऑल ही डिड वाज गो फॉर प्लेयर्स एंड परफॉर्म हिज बेसिक टास्क ऑफ ईटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड ओनली फोकसिंग ऑन हिज स्टडी। फिर आगे चल के वो स्टडी पर बहुत फोकस किया हफीज ना, और आगे भी गए। तो आंसर यह रहा, हमने शार्ट में आपको बताया, डिटेल में आप रीड करके नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे। डिस्ट्रैक्शन मीन्स होता है व्याकुलता ना, बेचैनी, व्याकुलता। एक दिन हफीज को कैसी व्याकुलता हुई, कैसा टेंशन हुआ, किस तरीके से बेचैन हो गया। तो हफीज़ कंडक्टर वाज सो हैप्पी, वाज अ हैप्पी गो लकी, मतलब बहुत ही प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति था, स्टूडेंट था, हु वाज लिस्ट कंसर्न अबाउट स्टडी, जिसको पढ़ाई की बिल्कुल चिंता नहीं थी, बहुत कम चिंता करता था पढ़ाई की, अपार्ट फ्रॉम स्टडी, पढ़ाई से अलग वह सब कुछ करना पसंद करता था। ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गेम, फनी प्रैंक एंड on other all the time. One day, as he did not want to study, he decided on creating a distraction, and for one entire hour everybody played chore police. ठीक, तो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, तो दिन भर उसको खेलना ही अच्छा लगता था, फनी प्रैंक करना, मीन्स मजाक करना दूसरों के साथ अच्छा लगता था। ठीक, और एक दिन उसको क्या डिस्ट्रैक्शन लगा, चोर पुलिस खेलने का, यह भी एक गेम होता है। तो आंसर नोट कर लेंगे आप। 4 वुड यू हैव लाइक टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रैक्शन हैड यू बीन विथ हिम। कहा जा रहा है वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रैक्शन हैड यू बीन विथ हिम, क्या आप भी डिस्ट्रैक्शन मीन्स डिस्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, मतलब इस तरीके की बेचैनी आपके अंदर भी होती है कभी। चलिए आंसर देखते हैं, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, आप अपने आप लिख सकते हैं। मिस्चुअस बिहेवियर इज़ अ वेरी कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ द चिल्ड्रन एंड एज ऑफ द फनी डिस्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय हफीज। सबके द्वारा, हर बच्चों के द्वारा कुछ न कुछ अजीब हरकत की जाती है, और कोई खेलने में बहुत माहिर होता है, कोई घूमने में ना, तो हर किसी के बारे में यह क्वेश्चन रिलेटेड है, आप अपने आप से नोट कर सकते हैं। ठीक, अपना व्यू नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन 2 का है, पेज नंबर 32। हफीज कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, व्हाई डिडंट ही। कहा जा रहा है कि हफीज कॉन्ट्रैक्टर जो था पुलिस ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए आंसर, हफीज कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट ज्वाइन द पुलिस फोर्स बिकॉज हिज मदर आस्क्ड हिम टू डू सो। क्यों नहीं ज्वाइन किया पुलिस फोर्स, क्योंकि उसकी माता ने कहा था, ही वांटेड हिम टू फोकस ऑन हिज ग्रेजुएशन। माता चाहती थी, सी वांटेड, माता चाहती थी वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, फॉर ओनली फॉर द टाइम बींग, देयरफॉर ही ज्वाइन द जय हिंद कॉलेज इन मुंबई टू परसू द फर्दर स्टडी। तो इसलिए आगे की स्टडी करने के लिए वह मुंबई चला गया, जय हिंद कॉलेज मुंबई में गया। ठीक,
आंसर नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन द आर्किटेक्ट ऑफिस सफिस कंट्रैक्टर वाज एडवाइज टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर वाइफ। आर्किटेक्ट ऑफिस में हफीज से बोला गया वो सब कुछ छोड़ दे और आर्किटेक्चर ज्वाइन कर ले। क्यों? इन द आर्किटेक्ट ऑफिस हफीज सा सम हैविंग समवन हैविंग ड्राइंग विंडो डिटेल। वन ऑन ऑब्जर्विंग द एडवांस डिटेल ऑफ द ड्राइंग ही सजेस्टेड दैट द ड्राइंग वाज रॉन्ग एंड दैट द विंडो वुड प्रैक्टिकली नॉट ओपन। देन ही देन हैड अ बिट विद द पर्सन ड्राइंग। तो जब वो जाता है ऑफिस में तो एक ड्राइंग देखता है विंडो सीट पे ना, तो उसमें कुछ गलतियां पाता है तो उसको सलाह देता है कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और वहाँ के लोगों को यह बहुत ही आश्चर्य कर देता है कि हफीज़ के अंदर इतनी जानकारी है आर्किटेक्चर के बारे में। देखिए लंबा है आंसर, आप अपने साथ अकॉर्डिंग चैप्टर से शार्ट करके भी नोट कर सकते हैं, लेकिन हमने पूरी बात लिखी है तो आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज मिसेज गुप्ता एडवाइस टू हफीज कॉन्ट्रैक्टर। मिसेज गुप्ता का हफीज कॉन्ट्रैक्टर को क्या एडवाइस था, क्या सलाह दिया था? मिसेज गुप्ता वन ऑफ द हफीज कॉन्ट्रैक्टर टीचर ड्यूरिंग हिज प्राइमरी स्कूलिंग एडवाइस हिम टू बिकमिंग एन आर्किटेक्ट व्हेन ही ग्रू अप। देखिए मिसेज गुप्ता ही वो थी जो उनकी स्कूल टाइम से ही टीचर रही, उन्होंने सलाह दिया था कि एक दिन तुम बड़े होकर आर्किटेक्चर बनोगे, ठीक, आर्किटेक्ट ही चुनना। क्वेश्चन नंबर, आंसर नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड बी, व्हाट मेड हर एडवाइस हिम सो। तो उनकी एडवाइस का क्या मतलब निकला? आंसर, When Mrs. Gupta saw the sketch made by Hafiz, जब Mrs. Gupta हफीज के बनाए गए स्केच मीन्स ड्राइंग आर्ट को देखती है, she told him that although he was useless in study, but his sketching skill were quite good. कहा कि हालांकि पढ़ने में बहुत कमज़ोर था लेकिन इसकी स्केचिंग मीन्स कलाकारी जो थी, चित्रकारी थी, बड़ी ही बढ़िया थी, बहुत ही अच्छी थी। She told him that he could become a good architect later on. उसने कहा था मिसेस गुप्ता ने कि एक दिन यह आगे चल के बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर बनेगा, आर्किटेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट हु हैड लॉस अ बटन। हाउ डिड ही हेल्प फेलो, किस तरीके से वो अपने फेलो मित्र की हेल्प करता है, हु हैड लॉस द बटन, जिसने बटन खो दिया था। तो आंसर आपको नोट कर लेना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोट कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट। हम आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लिख करके या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। विच रूल डिड ही ब्रेक एज स्कूल बॉय। एक स्कूल बॉय के रूप में उसने कौन सा रूल तोड़ा था। He broke many rules as a schoolboy. स्कूल बॉय के रूप में हफीज़ ने बहुत सारे रूल तोड़े थे, इसको आप नोट कर लेंगे यहाँ से, ठीक। मैं रीड करूँगा, आप नोट कर लेंगे, एक ही बात है, मैं रीड करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, वाट इज़ हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। हफीज कॉन्ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स का डेफिनेशन क्या था। अकॉर्डिंग टू हफीज कॉन्ट्रैक्टर पुटिंग द डिज़ाइन फॉलो बाय द कंस्ट्रक्शन साइकोलॉजी सोशियोलॉजी बट टुगेदर एंड मीटिंग लार्जर स्केच फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस स्केच ऑन द पेपर मेड ड्यूरिंग हिज इंटरेक्शन विद द क्लाइंट आर ऑल दैट कॉन्स्टिट्यूट हफीज कॉन्ट्रैक्टर डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। यही जो है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का डेफिनेशन, मैथ का डेफिनेशन था। आंसर को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ वुड यू वांट टू डिफाइन मैथमेटिक्स, डू यू लाइक द सब्जेक्ट। आप किस तरीके से मैथमेटिक्स को
डिफाइन करेंगे। आपको मैथ पसंद है, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर नोट कर सकते हैं, जैसा भी हो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप से देना है, ये बहुत बेटर रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आप आंसर दें, अच्छा लगेगा। देखिए एक्सरसाइज आ गया, एक्सरसाइज का भी हमने आंसर राइट किया है, आप रीड कर लेंगे बुक के एक्सरसाइज को। ये देखिए ये रहा, इसका आंसर हमने नोट डाउन कर लिया है, आप वीडियो स्लो करके रीड कर लेंगे, ठीक। और सेकंड क्वेश्चन है, हु इन योर व्यू इज एन अनयूजुअल लर्नर, आपके अकॉर्डिंग कौन अनयूजुअल लर्नर था। तो अनयूजुअल असामान्य लर्नर, जिसकी लर्निंग पावर बहुत ही अलग हो, हट के हो, तो इसका आंसर रहा। और देखिए क्वेश्चन थर्ड का, व्हाट कैन द स्कूल डू टू ड्रा आउट द बेस्ट इन अनयूजुअल लर्नर। स्कूल जो है अनयूजुअल का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखने वाला हो, उसके लिए स्कूल क्या कर सकता है। सजेस्ट व्हाट यूवर सीम रीजनेबल टू यू, आप अपना सुझाव दें। देखिए हमने अपना सुझाव लिखा है, यहाँ से आप नोट कर लेंगे, ठीक। तो यह रहा टोटल जितने भी क्वेश्चन थे, हमने सबका आंसर कराया आपको देख करके। मैं कुछ जो रीड किया उसमें गलती, कोई बात नहीं, हमने जो भी लिखा है उसको आप देख देख के नोट कर लें। अगर क्वेश्चंस आंसर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।